मेकिंग चार्ज मात्र 11% फ्लैट, दगरुसेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। कम खर्च में बेहतर इलाज, अब दरभंगा में मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विस। एस एन सर्राफ हॉस्पिटल, नाका नंबर 6, डीएमसीएच रोड, लहेरिया सराय। निसंतानता का सफल इलाज, आयुष्मान कार्ड एवं सभी हेल्थ इंश्योरेंस से मुफ्त इलाज। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अब मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, राजकुमारगंज दरभंगा, अब रूफ टॉप लाउंज भी खास आपके लिए। 13 वर्षों का आपका साथ बनाता है हमारे रिश्तों को खास। विकी टीवीएस, भटियारी सराय, दरभंगा। एफआई टेक्नोलॉजी फ्रॉम टीवीएस, इको ट्रस्ट एफआई यानी ईटीएफआई, जो दे 15% ज्यादा माइलेज। अवेल द बेस्ट डेंटल डिजिटल डायग्नोसिस फर्स्ट टाइम इन बिहार, किम्स सीबी सिटी सेंटर, किम्स डेंटल स्पा इन फ्रंट ऑफ मिथिला मेनोट्री डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, लहेरिया सराय, दरभंगा। बेस्ट टीचर्स से लीजिए क्वालिटी एजुकेशन, दरभंगा में अब कहीं भी पाइए होम ट्यूशन की सुविधा। क्लास 6 to 10+2, CBSE एवं ICSE बोर्ड, टारगेट बैच ऑफ नीट फिजिक्स, आज ही कॉल करें। हेरो इंग्लिश स्कूल दरभंगा, एफिलिएटेड टू CBSE अप टू 12th, न्यू एडमिशन इज गोइंग ऑन फॉर क्लास नर्सरी टू 9th, स्पेशल क्लासेस फॉर न्यू स्टूडेंट्स। जल्द ही भव्य शुभारंभ होटल इवारा, दरभंगा शहर के बीचों बीच शास्त्री चौक से दिघी जाने वाली सड़क में, बड़ी पार्किंग के साथ एयर कंडीशन्ड कमरे, रूफ टॉप रेस्टोरेंट और कैफे जैसी उत्कृष्ट सेवाएं, पिलरलेस बैंक्वेट हॉल जो आपके आयोजन को बनाएंगे खास। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव ने मंडल कारा पर्यवेक्षण गृह एवं बाल गृह का किया निरीक्षण। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव रंजन देव ने मंडल कारा पर्यवेक्षण गृह एवं बाल गृह का निरीक्षण किया। उन्होंने मंडल कारा में महिला वार्ड सहित सभी वार्डों का निरीक्षण कर बंदियों के रहन सहन व खान पान की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान जुवेनाइल आरोपी के बारे में भी पूछताछ की गई। साथ ही मंडल कारा स्थित जेल लीगल एड क्लिनिक का निरीक्षण कर प्रतिनियुक्त पैनल अधिवक्ता एवं जेल PLV को जरूरी दिशा निर्देश दिया। सचिव ने कहा कि विचाराधीन बंदियों या कोई भी बंदी जिसे विधिक सहायता की सकता हो तो आवेदन जेल लीगल एड क्लिनिक के जरिए भेजा जाए। उन्होंने बाल गृह एवं पर्यवेक्षण गृह में आवासित बच्चों से बात कर बच्चों की सुरक्षा, खान पान, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य आदि की जानकारी ली। उन्होंने चाइल्ड केयर होम्स के प्रबंधकों से कहा कि आवासित बच्चों के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। भाजपा के सदस्यता अभियान को पूरा करना ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय को सच्ची श्रद्धांजलि, बोले डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर। अपने गृह बूथ पर सांसद ने चलाया सदस्यता अभियान, कहा भाजपा रचेगी इतिहास। भाजपा का संगठन और कार्यकर्ताओं को संगठन से जोड़ने का तौर तरीका हर कार्यकर्ताओं के लिए एक रोल मॉडल है। जरूरत है इस मॉडल को आत्मसात कर शीर्ष नेतृत्व के लक्ष्य को पूरा कर नेतृत्व के विश्वास पर खरा उतरने की। दरभंगा से भाजपा सांसद सह लोकसभा में पार्टी सचेतक डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने पार्टी के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर आज बिरौल मंडल के पर्री गांव के अपने बूथ संख्या 48 पर सदस्यता अभियान चलाने के क्रम में उपरोक्त बातें कही। सांसद डॉक्टर ठाकुर ने अपने गृह बूथ पर प्रवास करके लोगों को भाजपा का सदस्य बनाया और कार्यकर्ताओं से इस अभियान में अधिकाधिक भागीदारी का आह्वान किया।
सांसद डॉक्टर ठाकुर ने उपस्थित लोगों को मिस्ड कॉल के माध्यम से ऑनलाइन सदस्यता के तौर तरीके पर चर्चा करते हुए कहा कि वैसे तो भाजपा की सदस्यता 6 तरीके से ली जा सकती है, लेकिन नमो ऐप के माध्यम से सहजता से सदस्य बनना आसान है। सांसद डॉक्टर ठाकुर ने भाजपा की सदस्यता को पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए गौरव की बात बताते हुए कहा कि विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी का सदस्य बनना अपने आप में महत्वपूर्ण है। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल, दगरुसेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किसना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज, आभूषणों की शुद्धता जांचें बिल्कुल मुफ्त। हड्डी नस रोग एवं स्त्री एवं प्रसूति रोग की चिकित्सा के क्षेत्र में स्थापित नाम एस एन सर्राफ हॉस्पिटल और मल्टी सुपर स्पेशलिटी सेंटर नाका नंबर 6 DMCH रोड लहेरिया सराय दरभंगा। हड्डी एवं नस रोग का संपूर्ण इलाज एक ही जगह, रीढ़ की हड्डी, स्त्री एवं प्रसूति रोग एवं इससे जुड़ी तकलीफों की संपूर्ण चिकित्सा, जनरल मेडिसिन, न्यूरो, नेफ्रोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, ICU, NICU, पैथोलॉजी, अल्ट्रासाउंड, स्पोर्ट्स इंजुरी का भी पक्का इलाज। स्वच्छता ही सेवा अभियान अंतर्गत पौधारोपण, जागरूकता रैली एवं नुक्कड़ नाटक का किया गया आयोजन। DM ने स्वच्छता ही सेवा के संकल्प को जन जन कन कन का संकल्प बनाने हेतु की अपील। जिला पदाधिकारी ने समाहरणालय परिसर में किया पौधारोपण। NCC कैडेट्स, गंगा दूत व नेहरू युवा केंद्र के स्वयंसेवक सैकड़ों की संख्या में जागरूकता रैली में हुए शामिल। स्वच्छता हेतु नुक्कड़ नाटक के माध्यम से ही सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करने का दिया गया संदेश। जिला पदाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन द्वारा समाहरणालय परिसर में पौधारोपण कर स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया गया। तत्पश्चात समाहरणालय परिसर से स्वच्छता ही सेवा अभियान अंतर्गत जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। हम सब ने ठाना है नदी तालाबों को स्वच्छ बनाना है, नमामि गंगे हर हर गंगे, अब हमने यह ठाना है नदियों को बचाना है, नहीं रुकेंगे स्वच्छ करेंगे, जैसे नारों के साथ स्वच्छता जागरूकता हेतु ऊर्जान्वित सैकड़ों NCC कैडेट्स, गंगा दूत और नेहरू युवा केंद्र के स्वयंसेवक समाहरणालय परिसर से आयुक्त कार्यालय प्रेक्षागृह, जेल रोड, लोहिया चौक, लहरियासराय टावर, चट्टी गुमटी, अतिथि गृह होते हुए पुनः समाहरणालय परिसर पहुंचे। जिला पदाधिकारी ने संबोधित करते हुए कहा कि जिला गंगा समिति के तत्वावधान में आयोजित स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम में NCC कैडेट्स, युवा स्वयंसेवक ने जिस प्रकार भाग लिया है, इससे पूरे देश, राज्य एवं जिले में एक विशेष संदेश जाता है। जिस प्रकार हम लोगों की आबादी बढ़ी है, पृथ्वी पर मानव गतिविधि का भार बढ़ा है, उस संदर्भ में अगर हम स्वच्छता, रिसाइकिल, रीयूज के महत्व को नहीं समझेंगे तो वह दिन दूर नहीं जब हमारी पृथ्वी, हमारी मिट्टी उपजाऊ नहीं रह जाएगी और हम लोगों को खाने में काफी दिक्कत होगी। राज्य स्तरीय विद्यालय बालिका हैंडबॉल अंडर 14-17-19 प्रतियोगिता के तीसरे दिन का खेल हुआ संपन्न। खेल विभाग बिहार, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण पटना तथा जिला प्रशासन दरभंगा के संयुक्त तत्वावधान में बिहार स्पेशल आर्म पुलिस 13 के प्रांगण में आयोजित राज्य स्तरीय विद्यालय बालिका हैंडबॉल अंडर 14-17-19 प्रतियोगिता के तीसरे दिन प्रातःकालीन सत्र से मैच को आरंभ करने के लिए व्यवस्थापकों की टोली जिला खेल पदाधिकारी दरभंगा परिमल के निर्देशन में कठिन मेहनत से रात में ही ग्राउंड को मैच खेलने योग्य बनाने के संकल्प को साकार किया। प्रातःकाल बारिश के बाद मैदान को खेलने योग्य है नहीं या इसे देखकर ग्राउंड पर जाकर बिहार राज्य खेल प्राधिकरण पटना से प्रतिनियुक्त तकनीकी पदाधिकारी की टोली ने मैदान का निरीक्षण किया एवं राष्ट्रीय निर्णायक संतोष कुमार वर्मा ने सबों की सहमति से मैच को आरंभ कराने का निर्णय लिया। अभी तक आए हुए परिणामों में मेजबान दरभंगा ने अपना विजय अभियान जारी रखते हुए अपने विजय का परचम लहराया है। आयोजन स्थल की सुंदर व्यवस्था से दल प्रभारी, कोच एवं खिलाड़ियों के मन में संतोष का भाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। ईयर्स ऑफ सर्विस, बिल्ड योर चाइल्ड फ्यूचर हियर, डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकर दरभंगा, एफिलियेटेड टू CBSE न्यू दिल्ली अप टू 10+2 लेवल, डेडिकेटेड टीम ऑफ हाईली एक्सपीरियंस टीचर्स फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर चिल्ड्रेन, सिक्योर्ड एंड डिसिप्लिन्ड एनवायरमेंट, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज अवेलेबल, हरी अप, एडमिशन ओपन एंड एडमिशन्स आर फ्री।
बुनियाद केंद्र बहादुरपुर दरभंगा में दिव्यांग जन हेतु एक दिवसीय मार्गदर्शन शिविर का किया गया आयोजन। अपर प्रादेशिक न्यूजालय दरभंगा के तत्वावधान में बुनियाद केंद्र बहादुरपुर दरभंगा में दिव्यांग जनों हेतु एक दिवसीय मार्गदर्शन शिविर का आयोजन किया गया। उक्त आयोजन में अपर प्रादेशिक नियोजन दरभंगा द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं यथा स्टडी किट, टूल किट, CIC, कैरियर सूचना केंद्र, जॉब कैंप, जॉब फेयर आदि के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि लगभग 50 दिव्यांगजनों ने इस आयोजन में भाग लिया और उन सभी को शॉल देकर सम्मानित किया गया। उप निदेशक नियोजन आशीष आनंद ने सभी दिव्यांगजनों से अपील की कि वे नियोजनालय में निबंधन कराएं और इस योजना का अधिकतम लाभ उठाएं। कर्मचारी के निधन से विश्वविद्यालय परिवार मर्माहत, शोक सभा के बाद अवकाश घोषित। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय परिवार अपने चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी कुशे मंडल के असामयिक निधन से मर्माहत है। कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित शोक सभा में कुशे मंडल को पूरे विश्वविद्यालय परिवार ने भावभीनी श्रद्धांजलि दी। अत्यंत मृदुभाषी और सरल स्वभाव के स्वर्गीय मंडल ने मुख्यालय में अपनी सेवा 1 मार्च 1986 से प्रारंभ की थी। वर्तमान में विश्वविद्यालय में कार्यरत मंडल 20 सितंबर को सुबह 4:45 पर इस संसार को विदा कह गए। एक चरित्रवान, समर्पित, ईमानदार एवं कुशल कर्मी को खोना विश्वविद्यालय प्रशासन के लिए अपूर्णीय क्षति है। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से आयोजित शोक सभा में कुल सचिव डॉ. अजय कुमार पंडित, कुलानुशासक प्रोफेसर अजय नाथ झा, उप कुल सचिव प्रथम, उप कुल सचिव द्वितीय, IQAC निदेशक, परीक्षा नियंत्रक, कॉलेज निरीक्षक समेत पदाधिकारी, शिक्षक और कर्मचारीगण शामिल थे।